फ्रेंड्स, आज अपन कंटिन्यू करने वाले प्रिंसिपल सॉल्यूशन को। फर्स्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल और क्वाड्रेंट। सेकंड पार्ट में अपन कुछ तो एग्जांपल दिए थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के, और आज भी अपन एग्जांपल लेंगे बट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर नेगेटिव के लिए। प्रीवियस पार्ट में अपन ने पॉजिटिव के लिए लिए थे और आज अपन लेंगे नेगेटिव के लिए। दिस एग्जांपल, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, इज द नेगेटिव। अभी साइन एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, बट अपने को पता है कि अपन जब साइन प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के दो आंसर रहते हैं, एक और एक आंसर रहता है अपने का फाइंड आउट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और सेकंड आंसर फाइंड आउट फ्रॉम क्वाड्रेंट। अभी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, पॉजिटिव भी रहती है, इसलिए अपन स्टार्टिंग वैसे करेंगे कि सबसे पहले लेंगे अपन साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। बट साइन का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू अपने पास 1 बाई टू रहती, नेगेटिव का कोई चांस नहीं। अभी सिर्फ 1 बाई टू लेंगे अपन, बिकॉज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इन पॉजिटिव, तो देयरफॉर अपन पॉजिटिव के लिए सोचेंगे तो पॉजिटिव क्या है 1 बाई टू। अभी देखो साइन का कौन सा एंगल जिसकी वैल्यू 1 बाई टू रहती, 30 डिग्री, तो अपन लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री एंड रीडिंग कितना होता है पाई बाय 6 is equal to 1 by 2. Therefore, x is equal to pi by 6. But this value for a positive angle. This value for positive angle and this value is positive value but अपने पास negative value है. Therefore, it is not our answer. ये अपना answer नहीं है. फिर देखेंगे कि sine का कौन सा angle है जिसकी value अभी कौन सा है minus 1 by 2. तो अपन देखेंगे अभी second value found out from quadrant. अभी sine की value कौन सी है, negative है, और sine की value negative है तो फिर साइन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है, अभी ये अपने पास पता नहीं, पर इतना पता है कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो अभी देखेंगे साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा रहता है, साइन ही रहता है, एंड निगेटिव कहाँ रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। Therefore, and sine की वैल्यू नेगेटिव है, फिर अपन देखेंगे sine की वैल्यू नेगेटिव, sine कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देन थर्ड क्वाड्रेंट किसके नियर है, थर्ड क्वाड्रेंट किसके नियर है, पाई के नियर है। देन अपन लिखेंगे जैसे एग्जांपल sin x is equal to sin किसके नियर है, पाई के नियर, तो अपन लिखेंगे पाई। देन थर्ड क्वाड्रेंट जो दिखता है अपने पास, थर्ड क्वाड्रेंट किसके साथ मिलता है, 180 और 270। अपन ने 180 लिखा है बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर 180 एंड दिस पाया। देन 180 से 270 क्या है, लेस है कि ग्रेटर है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, तो क्या लिखेंगे प्लस, कितना प्लस, पाई बाय 6। देन साइन का एंगल कौन है, एक्स, देन तो साइन का एंगल कौन है, पाई प्लस पाई बाय 6। देन कौन सा मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन एक्स इज इक्वल टू क्रॉस करेंगे कितना है, 6 पाई प्लस पाई बाय 6, therefore x is equal to kita answer 7 pi by 6. This is the our answer for negative value. Ye apne paas ye apna answer hai, first answer hai for negative value. Aur sine kaun se quadrant mein negative hai, fourth quadrant mein, aur likhenge fir idhar, then sine x is equal to sine kaun se quadrant mein negative aur फोर्थ क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर किसके नियर है अपना देखो, पाई की टू पाई की टू पाया, देन टू पाया, देन फोर्थ क्वार्टर जो है, फोर्थ क्वार्टर किसके साथ मिलता है, फोर्थ क्वार्टर मिलता है अपने पास 270 और 360 से, 360 अपन ने लिखा है, टू पाया लिखा बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, देन टू पाया लिखा। अभी 360 से 270 क्या है, लेस है कि ग्रेटर है, लेस है, लेस है, तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस, कितना माइनस, जो अपना एंगल मिला ऑलरेडी अपना एंगल मिला है पाई बाय 6। देन साइन का एंगल कौन है, एक्स, देन इधर 2 पाई माइनस पाई बाय 6, कौन सा मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस, देन एक्स इज इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो कितना आया, 12 पाया माइनस पाया बाय 6, देन एक्स इज इक्वल टू कितना है, 11 पाई बाय 6, इज द सेकंड आंसर। ये अपना आंसर है फॉर नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू के लिए जब अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव वैल्यू, जब अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और अपने पास दिया होगा नेगेटिव वैल्यू, तभी अपने पास ऐसे सॉल्व करना है, फर्स्ट आंसर ऑलवेज फाइंड आउट फ्रॉम क्वाड्रेंट, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, देन ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव पर अपने पास कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव, फिर भी अपन फर्स्ट वैल्यू देखेंगे क्वाड्रेंट टेबल से, तो बट साइन की कौन सी वैल्यू है, माइनस साइन को रिमूव करो तो बता कौन सा, 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 क्या है, 30 है, तो देखो 30 डिग्री एंड रेडिंग कितना होता है, पाई बाय 6, दैट मीन्स 1 बाय 2, देखो x इज इक्वल टू कितना आया, पाई बाय 6। देन बट दिस आंसर फॉर अ पॉजिटिव वैल्यू, और अपना आंसर को वैल्यू को से
एंड इज नॉट आवर आंसर, ये अपना आंसर नहीं है, देन अपन सेकंड चॉइस है अपने पास क्वाड्रेंट है, देन सेकंड चॉइस चॉइस क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे अपन साइन, साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव फिर साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, अभी अपने को इतना पता नहीं, पर ये पता है कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो अपन देखेंगे साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वार्टर में ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव है, देन सेकंड क्वार्टर में साइन इज पॉजिटिव, सेकंड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है, बी थर्ड अपने क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, देन अभी सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है, देन थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, देयरफॉर अपन लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू साइन थर्ड क्वार्टर, अभी थर्ड क्वार्टर में किसके नियर है, पाई, अपने पास दो कंपेयर के लिए है, पाई और टू पाई, तो पाई अभी थर्ड क्वार्टर ही है, थर्ड क्वार्टर किसके नियर है, पाई के, इसलिए अपन लिखेंगे पाई, देन थर्ड क्वार्टर इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ 180 और 270, 180 और 270 से अपना थर्ड क्वार्टर बनता है, अभी 180 अपन लिखेंगे, 180 से 270 क्या है, लेस एक ही ग्रेटर है, लेस एक ही ग्रेटर है, ग्रेटर है, अपना 180 ऑलरेडी लिखा है, अभी 180 से 270 क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर है तो क्या लिखेंगे, प्लस, तो प्लस कितना, प्लस पाई बाय 6, देन साइन का एंगल देख से इधर की साइन का एंगल ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, तो इतना अपना 7 पाई बाय 6, वैसे भी और थर्ड क्वार्टर में साइन नेगेटिव है, पर फोर्थ क्वार्टर में भी आल्सो साइन इज नेगेटिव, देन फोर्थ क्वार्टर किसके नियर है अपने पास, पाई की 2 पाया, 2 पाया अपन लिखे 2 पाया, अभी फोर्थ क्वार्टर इज मेड अप ऑफ 270 और 360, अपन ने 360 एंड 2 पाया लिखा है, अभी 360 से 270 क्या है, लेस है ग्रेटर है, लेस है, लेस है तो अपन क्या लिखे, माइनस, यानी ग्रेटर होगा तो प्लस, लेस होगा तो माइनस, माइनस कितना एंगल, पाई बाय 6, देन इसका कॉरस्पॉन्डिंग पर ये आया अपना 11 पाई बाय 6, ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन, कौन से भी ले सकते हैं, कौन से भी वैल्यू अपन ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल cos x is equal to minus 1 by root 2, ये लिया अपन ने क्वेश्चन, अभी cos x is equal to minus 1 by root 2, cos के वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, बट अपन ने बोला कि फर्स्ट आंसर ऑलवेज फाइंड आउट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री टेबल, अभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नेगेटिव वैल्यू रहती क्या, नहीं रहती, कौन सी वैल्यू रहती, सभी पॉजिटिव रहती, बट अपने को फर्स्ट आंसर वहाँ से निकाल लेना है, तभी देखेंगे कॉस का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1 बाय रूट 2, देखो कॉस की लाइन से जाते हो 1 बाय रूट 2 कौन सा रहता, 45, तो देखो अपन लिखेंगे यहाँ बट कॉस 45 डिग्री, डीएफओ कॉस 45 डिग्री यानी कितना होता, पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, therefore x is equal to kitna aaya pi by 4, but this value for a this answer for a positive aur apni value ko se negative and it is not our answer, ye apna answer nahi hai, but apne ko lena tha first trigonometry table se apne liye, but ye apna answer nahi hai, fir second answer apne ko second answer apna chahiye, to fir apna second chance hai quadrant, abhi quadrant mein dekho quadrant क्या है, कॉस की वैल्यू कौन से नेगेटिव, फिर कॉस कौन से क्वार्टर में नेगेटिव रहता है ये अपने को नहीं पता, पर ये पता है कि कॉस कौन से क्वार्टर में पॉजिटिव रहता है, तो कॉस कौन से क्वार्टर में पॉजिटिव रहता है, इन फर्स्ट क्वार्टर ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव, यानी फर्स्ट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज पॉजिटिव रहेंगी, अभी सेकंड में तो साइन रहता, थर्ड में टैन पॉजिटिव रहता, और फोर्थ में कौन रहता, कॉस पॉजिटिव रहता, अभी अपने को कॉस क्या नहीं है, नेगेटिव, यानी फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता, अभी बचा कौन सा, अभी सेकंड और थर्ड, यानी कॉस कौन से क्वार्टर में नेगेटिव रहेगा, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, देयरफॉर कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस कौन से क्वार्टर में नेगेटिव रहेगा, सेकंड और थर्ड, अभी सेकंड क्वार्टर किसके नियर है, देखो सेकंड क्वार्टर किसके नियर है, पाई, तो पाई लिखेंगे इधर, फिर सेकंड क्वार्टर किसके साथ बनता है, 90 डिग्री और 180 डिग्री से, तो 90 डिग्री दिस इज द 90 डिग्री और 180 डिग्री से मिलता है, फिर अपन ने 180 वाले पाया लिखा है, तो 180 से 90 क्या है, लेस है कि ग्रेटर है, लेस है, लेस है तो क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस कितना, माइनस जो अपना एंगल मिला है पाई बाय 4, अभी कॉस का एंगल कौन है, एक्स, इधर कॉस का एंगल कौन है, पाई माइनस पाई बाय 4, देन कॉस एक्स इज इक्वल टू कौन सा मल्टीप्लाई कॉस का कितना था 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 एंड एक्स इज इक्वल टू कितना है 3 पाई बाय 4, ये अपना फर्स्ट दिस इज द आंसर फॉर नेगेटिव वैल्यू, ये अपना नेगेटिव वैल्यू, और सेकंड और cos x is equal to cos, cos is also negative in third quadrant, third quadrant में third quadrant किसके नियर है, also pi,
अभी थर्ड क्वाड्रेंट किसके साथ बनता है 180 और 270 से 180 से 270 क्या है ग्रेटर है, ग्रेटर को क्या लिखेंगे प्लस, कितना प्लस अपना एंगल मिला है माइनस पाई बाय 4, x इज इक्वल टू चलो क्रॉस करो कितना होता है फिर 5 पाई बाय 4 डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4, दिस इज द आवर आंसर, ये अपना आंसर, दिस इज फॉर अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है देख लो। और नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे अपन, एग्जाम्पल कौन से भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं इसका, बस बेसिक अपना ध्यान में रखना। चलो एग्जाम्पल लेंगे, सपोज अपने पास होगा कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस टू लिया मैंने, चलो माइनस टू अपॉन रूट थ्री लिया, माइनस टू अपॉन रूट थ्री कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कोसेक आया देखो, चलो स्टार्ट करेंगे कोसेक x is equal to minus 2 upon root 3, अभी cosec x is equal to minus 2 upon root 3 पर अपन ने सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया sin cos और tan को, अभी इधर तो cosec है, अभी cosec का नहीं पता, तो सिर्फ ये बताया मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में कि cosec is a reciprocal of sin, cosec किसका reciprocal है sin का, यानी cosec का reciprocal क्या लिखेंगे अपन sin x, तो इसका reciprocal क्या है माइनस, तो एज इट इज होगा, इसका reciprocal क्या होगा root 3 by 2, यानी अपना क्वेश्चन कौन सा आएगा फिर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई टू। अभी फिर फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और टेबल में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव और अपने पास क्या है नेगेटिव, फिर भी अपन फर्स्ट वैल्यू फाइंड फ्रॉम टेबल लेंगे तो बट साइन का कौन सा एंगल है, साइन का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू रूट थ्री बाई टू रहती है, देखो टेबल में देखो कौन सा एंगल है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री यानी कितना होता है साइन पाई बाय 3 इज इक्वल टू कितनी कितना रूट 3 बाय 2, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना है अपना वाला पाई बाय 3, बट दिस आंसर फॉर अ पॉजिटिव वैल्यू और अपनी वैल्यू कौन से नेगेटिव, यानी इट इज नॉट आवर आंसर, ये अपना आंसर नहीं है। फिर देन सेकंड चांस अपने पास क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में देखो साइन का कौन सा क्या है कौन सा वैल्यू नेगेटिव, तो फिर देन साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहती है साइन सेकंड क्वार्टर में क्या रहती है पॉजिटिव रहती है, देन सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव, देन थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में क्या रहेंगे नेगेटिव, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन कौन से क्वार्टर में नेगेटिव है थर्ड और फोर्थ क्वार्टर, देन थर्ड क्वार्टर किसके नियर है देखो थर्ड क्वार्टर किसके नियर है पाई, और थर्ड क्वार्टर किसके साथ बनता है 180 और 270, देन 180 तो अपन लिखा है 180 से 270 क्या है जैसे कि ग्रेटर है ग्रेटर है, ग्रेटर है तो क्या लिखेंगे प्लस, कितना प्लस पाई बाय 3, देन देखो साइन का एंगल कौन सा एक्स इधर क्या है पाई प्लस पाई बाय 3, कौन सा मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करेंगे तो कितना आया आंसर फिर 4 पाई बाय 3, दिस इज द आवर आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर फॉर नेगेटिव। देन सेकंड आंसर आल्सो साइन कौन से क्वार्टर में नेगेटिव रहता है फोर्थ क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर किसके नियर देखो किसके नियर है पाई के, 2 पाई के 2 पाई, 2 पाई लेस के ग्रेटर फिर 2 पाई यानी 360, 360 से 270 क्या है लेस है, लेस है तो कितना लेस पाई बाय 3, तो ये x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3, देन x इज इक्वल टू कितना है 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3, देन x इज इक्वल टू कितना है 5 पाई बाय 3, दिस इज द आवर आंसर फॉर नेगेटिव वैल्यू, ये अपने पास नेगेटिव है। तो इस तरह अपने को देखना है, आप कौन सी भी वैल्यू ले लो आपको इजी से सॉल्व करना पड़ेगा, इजी से सॉल्व कर सकते हैं अपने, बस दो इम्पोर्टेंस है ट्रिग्नोमेट्री टेबल और ट्रिग्नोमेट्री टेबल और ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट, जो अपने को क्वाड्रेंट निकालना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल और क्वाड्रेंट, जो अपने को इसका एक बेसिक जो है इंफॉर्मेशन हो पता होना चाहिए। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो अपने प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसा निकालना है, 2 मिनट में अपन निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और क्वाड्रेंट का भी बेसिक मैंने बताया था। तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो से फर्स्ट सेकंड वीडियो कंटिन्यूस आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि अपन कौन से बेसिक से कौन किस बेसिक से अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूरा खत्म हो गया। अपने फर्स्ट वीडियो से अपन ने देखा था बेसिक, सेकंड वीडियो में अपन लिया है प्रिंसिपल वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, और अभी सेकंड इसमें लिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन और नेगेटिव वैल्यू, इस तरह आप कौन सी भी वैल्यू ले लो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ आप देख लो, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो थैंक्स।